ऑक्शन टेबल पे 10 करोड़ के बाद ना आपके हाथ पांव फूलते हैं। आपको ये लगता है कि मान लो ये पैतरा मेरा काम नहीं आया और इस गेंदबाज ने 6 गेंदबाजी नहीं करी तो पूरा जो चिट्ठा है जो ब्लेम गेम होगा वो मेरे ऊपर आएगा। ये जानने के बावजूद भी गौतम गंभीर ने स्टार्क का जो माइंडसेट था कि क्लियरिटी थी उनके माइंड में कि मुझे स्टार्क चाहिए, 10 नहीं 15 नहीं 20 नहीं 25 करोड़ के आसपास स्टार्क को लिया। उनको मालूम था कि हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के साथ जो अनकैप बॉलर्स हैं उनके सारे तजुर्बेकार गेंदबाज चाहिए। वो स्टार्क थे, वो स्विंग, वो रफ्तार, वहाँ उनका पैतरा बिल्कुल ठीक बैठा। क्योंकि बहुत जो होता है ना कोचेज मैनेजमेंट ने वो डरते हैं, वो बहुत डरते हैं कि भाई अरे 10 के बाद ना थोड़ा रहने दो भाई, क्यों हमको इतना आगे पैसे खर्च करने। पर नहीं, ये पैतरा काम आया। उसके बाद नरेन की बात करें, नरेन बहुत बतौर ओपनर फ्लॉप थे। पिछला उनका 2-3 साल आप देखें तो स्कोर बिल्कुल नहीं बनाया, पर गौतम गंभीर ने कहा नहीं, नरेन मेरे टीम में बतौर ओपनर ही खेलेंगे। खेले, सॉल्ट के साथ पार्टनरशिप करी और वहाँ केकेआर बतौर बैटिंग टीम बहुत आगे निकल गई। वो दो चीज़, उसके बाद उनके पास गेंदबाजी थी, वहाँ पर वरुण थे, उनके पास नरेन थे एज ए बॉलर, और जो यंग अनकैप प्लेयर्स थे वो थे, पर जो पैतरा फिट किया, जो डॉट कनेक्ट किया वो थे नरेन के साथ स्टार्क को लाना। और अय्यर की कप्तानी की भी तारीफ होगी, अय्यर एज ए कैप्टन काम एंड कपोज दिखे, बहुत सही वक्त पे सही फैसले लिए। 29 और जिक्र हम कम करते पर ओवरऑल